नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिंदी शिक्षण संबंधित कुछ क्वेश्चन। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला व्याकरण ग्रंथ किसने लिखा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, टेट 2016 में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सर जॉर्ज ग्रियर्सन, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सर जॉर्ज ग्रियर्सन जो है हिंदी के पहले व्याकरण ग्रंथ इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ के लेखक हैं? हिंदी शब्दानुशासन इसके जो ग्रंथ के लेखक हैं वो हैं किशोरीदास वाजपेयी जो हैं हिंदी शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना नामक ग्रंथ के लेखक हैं? तो आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना के जो लेखक हैं वो हैं वासुदेव नंदन प्रसाद, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है, वासुदेव नंदन प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़की शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? तो लड़की संघ ये इसकी जातिवाचक संज्ञा है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। नेक्स्ट है, गंगा किस प्रकार की संज्ञा है? तो गंगा जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गंगा किसी का नाम है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। नेक्स्ट है, क्रोध इनमें से किस प्रकार की संज्ञा है? तो क्रोध आपको बताना है किस प्रकार की संज्ञा है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है भाववाचक। क्रोध, प्रेम, ये इस प्रकार की जो संज्ञाएं हैं वो सब भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। नेक्स्ट है, वीरता किस प्रकार की संज्ञा है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है भाववाचक, वीरता भी भाववाचक संज्ञा है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। नेक्स्ट है, बच्चा से बनी भाववाचक संज्ञा है? बच्चा से बनी भाववाचक संज्ञा है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बचपन, बचपन जो है भाववाचक संज्ञा है बच्चा का। नेक्स्ट है, पानी किस प्रकार की संज्ञा है? तो पानी जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है, यानी कि पानी जो होता है लिक्विड होता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। नेक्स्ट है, इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? तो समूहवाचक संज्ञा जो है वो है भीड़, दल, मंडल, ये सभी हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो है डी है। भीड़ भी समूह होते हैं, उसमें समूह शामिल होता है, दल इसमें भी समूह शामिल होता है, और मंडल इसमें भी लोगों का समूह होता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो है डी। नेक्स्ट है, मधुरता किस प्रकार की संज्ञा है? तो मधुरता जो है वो भाववाचक संज्ञा है, उसकी मधुरता ही उसका भाव है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग शब्द बताना है, कवि, रीति, धैर्य, विद्वान। तो रीति जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट है, बुढ़ापा शब्द किस लिंग का है? तो बुढ़ापा जो है पुल्लिंग शब्द है, करेक्ट ऑप्शन इसका ए है। नेक्स्ट है, महान शब्द को स्त्रीलिंग में बदलने पर शब्द क्या होगा? तो महान शब्द को आपको स्त्रीलिंग बनाना है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो है सी। महती जो है महान शब्द का स्त्रीलिंग है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महान का स्त्रीलिंग महती। नेक्स्ट, ग्रंथ किस लिंग में प्रयुक्त शब्द है? ग्रंथ जो है कौन से लिंग का है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है उभयलिंगी, ना तो वो स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है, यानी कि उभयलिंगी है, कॉमन है। नेक्स्ट है, हार शब्द किस प्रकार का है? तो हार जो है वो ये भी उभयलिंगी है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। नेक्स्ट है, विशेष का तात्पर्य है? तो विशेष का जो तात्पर्य है वो है जिसकी विशेषता बताई गई हो, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट, कौन सा वाक्य शुद्ध है? जैसे दही खट्टा है, दही खट्टी है, मैंने किया, होएगा, ये सभी, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, दही खट्टा है, दही खट्टा है, यही करेक्ट शुद्ध वाक्य लग रहा है और ये सब रॉन्ग करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वाक्य का कर्ता विवेक रहित हो तो क्रिया के लिंग वचन किसके अनुसार होंगे? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कर्तानुसारी, यानी कि कर्तानुसारी के अनुसार होंगे। यदि वाक्य का कर्ता विभक्ति रहित है तो क्रिया के लिंग वचन उसके कर्तानुसारी के अनुसार होंगे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, बिजलू के अनेकों नाम है, वाक्य में अशुद्ध शब्द है। तो अनेकों नहीं होता है, आप लोग जानते हैं अनेक होता है, तो 20 का इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी।
तो अनेकों जो अशुद्ध शब्द है वो अनेकों, यहाँ यही अशुद्ध है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो बी है। अनेकों कभी नहीं होता, किसी भी वाक्य में अनेक होता, अनेक से ही पता लग जाता है कि बहुत से लोग हैं, अनेकों नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द नित्य बहुवचन है? तो नित्य बहुवचन जो शब्द है, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सभी, हस्ताक्षर भी है नित्य बहुवचन, प्राण और दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कौन सा शब्द नित्य बहुवचन है? माल, चांदी, सामान, ये सभी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है सभी, ये सभी, मतलब माल भी है नित्य बहु एक वचन, चांदी भी एक वचन है, और सामान, सॉरी हमने बहुवचन बोल लिया था, तो नित्य एक वचन पूछा गया है, माल, चांदी, सामान। नेक्स्ट है, सविव्यक्ति कर्ता और कर्म होने पर क्रिया होगी, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, पुल्लिंग बहुवचन, पुल्लिंग बहुवचन जो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पत्ता, पेड़, सिगरा, काले शब्द में कौन सा कारक है? पूछा गया पेड़ में कौन सा कारक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अपादान कारक, यानी कि पेड़ से, हम लोग जानते हैं कर्ता ने कर्म को करट से, संप्रदान में, अपादान से करके, तो पेड़ से इसमें दिया है, तो अपादान इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, मैं पेन से लिखता हूँ, काले शब्द में कौन सा कारक है? तो काले शब्द में जो कारक है वो है करड़ कारक, यानी कि पेन से, कर्ता ने कर्म को करट से, तो करड़ इसका कारक है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा सीता से चतुर है, तो पूछा गया सीता से कौन सा कारक है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अपादान, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, प्रेमचंद का गोदान श्रेष्ठ उपन्यास है, तो प्रेमचंद में कौन सा कारक है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है करण कारक, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, श्याम घर में नहीं है, वाक्य में घर में कौन सा कारक है? तो घर में जो कारक है वो है अधिकरण कारक, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, मैंने मेरी बात कही, इस अशुद्ध वाक्य में काले शब्द को इस प्रकार शुद्ध कीजिए कि वाक्य शुद्ध हो जाए और तना बदले। तो मैंने मेरी बात कही, तो मेरी नहीं होगा इसमें, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा मैंने अपनी बात कही, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, मैंने अपनी बात कही हुई करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी। नेक्स्ट है, चाय में कुछ पड़ा है, काला शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो चाय में कुछ पड़ा है, तो कुछ पूछा गया क्या है, तो कुछ जो है वो है सर्वनाम, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, बी जो, यानी कि ऑप्शन सर्वनाम जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है, देखो कौन आया, वाक्य में कौन शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। नेक्स्ट है, सो, जो, सो किस प्रकार के सर्वनाम है? तो जो, सो जो है संबंधवाचक सर्वनाम है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। नेक्स्ट है, 8 व्याकरण दृष्टि क्या है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है विशेषण, 8 उसकी विशेषता बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण जो है 4 प्रकार के होते हैं, यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। नेक्स्ट है, कुछ लोग आए थे, इस वाक्य में काला पद किस प्रकार का विशेषण है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है संख्यावाचक, संख्या बताएगी, कुछ लोग, कितने लोग पता नहीं। नेक्स्ट है, चमक संज्ञा से विशेषण बनेगा, चमक संज्ञा से विशेषण बनेगा, वो चमकीला, यानी कि उसकी विशेषता बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैस विश्लेषण किस संज्ञा से बना है? तो नैस विश्लेषण जो है निशा उससे बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंस धातु से विशेषण बनाइए, तो हंस धातु से विशेषण बनेगा हंसोड़, यानी कि उसकी विशेषता है कि हंसोड़ है वो। नेक्स्ट है, तैर धातु से बना विशेषण है, तो तैर धातु से बना विशेषण है तैराक, यानी कि वो तैराक तैर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वह रोने लगा, काला क्रियापद किस प्रकार का है? वह रोने लगा, रोने लगा में कौन सी क्रिया है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है संयुक्त क्रिया, यानी कि
ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट, राम ने काम कर लिया होगा, बाकी का काल बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो राम ने काम कर लिया होगा, ये संदिग्ध भूतकाल है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। कुछ लोग इसमें भविष्यकाल लगाएंगे, लेकिन ये भविष्यकाल नहीं है, संदिग्ध भूतकाल है। नेक्स्ट है, वह आ रहा है, वाक्य का काल निर्धारित कीजिए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है तात्कालिक वर्तमान, वह आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता ने दूध पिया, वाच्य की दृष्टि किस प्रकार का है। तो सीता ने दूध पिया, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कृत्यवाच्य, कृत्यवाच्य इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, मौन से दौड़ा नहीं जाता, वाक्य प्रयोग की दृष्टि से किस प्रकार का है। तो मौन से दौड़ा नहीं जाता, ये भावी प्रयोग का है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। नेक्स्ट है, धीरे धीरे व्याकरण की दृष्टि से क्या है, बताना है धीरे धीरे। तो धीरे धीरे जो है वो है क्रिया विशेषण, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, इनमें से दिशावाचक क्रिया विशेषण है, तो दिशावाचक क्रिया विशेषण है इधर, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, मैं यथासंभव आपकी सहायता करूँगा, काला पद है, तो मतलब यथासंभव पूछा गया इसमें क्या है, तो यथासंभव रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, अव्यय के कितने भेद हैं, तो अव्यय के हम लोग जानते हैं चार भेद होते हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी। नेक्स्ट है, परंतु किस वर्ग में आएगा, परंतु जो है समुच्चय बोधक अव्यय, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी। दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।